वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यन स्टडी टाइम। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस एकदम कंप्लीट कर लिया और आज हम लोग जा रहे हैं फ्यूचर टेंस स्टार्ट करने, वो भी फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट यानी फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस की जो पहचान होती है हमेशा सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा गा गे गी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गा गे गी से कोई मतलब नहीं होता है। जो भी चीज़ें हम फ्यूचर में प्लान कर रहे होते हैं, जैसे कि आज तो चल रहा है तो प्रेजेंट है, लेकिन कल जो आने वाले कल में हम जो चीज़ भी करने वाले हैं कि मैं कल बाज़ार जाऊंगा या स्कूल जाऊंगा या सागन जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मतलब जो भी चीज़ें हम फ्यूचर में प्लान कर रहे होते हैं वही सेंटेंसेज इसमें रखे जाते हैं। इसकी जो मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के बारे में आप लोग जानते ही हैं, उसकी जो फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो पहला फॉर्म होता है उसी का इसमें यूज किया जाता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल, ठीक है, सभी के साथ इसमें विल लगाया जाता है और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देखिए बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल, पहले थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुआ करती थी, पहले जो हेल्पिंग वर्ब थी इसमें विल और शैल दोनों हुआ करते थे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और शैल दोनों हुआ करते थे, लेकिन इसमें क्या था, शैल का यूज आई और वी के साथ किया जाता था और विल का यूज बाकी सभी के साथ किया जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता था कि जो है आई और वी अगर शैल का यूज कर रहे हैं, जैसे कह दिया जाए कि मैं स्कूल जाऊँगा, आई शैल गो टू स्कूल, ठीक है, अगर इसके साथ सेल लगता था तो ये क्लियर नहीं होता था कि वो अवश्य स्कूल जाएगा। इसको क्लियर करने के लिए आई के साथ हम विल लगाते थे, तो अगर हम ये बोलते थे कि आई विल गो टू स्कूल यानी कि मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा, और ऐसे ही विल के साथ भी हुआ करता था, अगर वो कहता था कि वह स्कूल जाएगा, मान लो वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, इसमें भी श्योर नहीं होता था कि वह स्कूल जाएगा, तो वो क्या करता था कि अगर हम ही के साथ यानी कि वह स्कूल जाएगा, ही शैल गो टू स्कूल बोलते थे तो क्लियर होता था कि वह अवश्य स्कूल जाएगा, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए अवश्य करने के लिए दोनों एक दूसरे से अपने हेल्पिंग वर्ब को एक्सचेंज कर लिया करते थे, जिससे बहुत कन्फ्यूजन होती थी कि मतलब इसके साथ इन्होंने शैल क्यों लगा दिया, उसके साथ विल क्यों लगा दिया, जबकि रूल तो ये है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज हटा दिया गया है, अब सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का ही यूज किया जाता है। हाँ, सेल का यूज और प्लेसेज पे किया जाता है, फिलहाल इस टेंस से हटा दिया गया है। चलिए इसकी जो है एक एग्जांपल देख लेते हैं। वे आज स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल टूडे। दे इसकी जो है सब्जेक्ट है, विल इसका ओनली एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और गो टू स्कूल टूडे इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वे आज स्कूल नहीं जाएंगे, अगर इसी सेंटेंस से हम निगेटिव बना ले तो नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, दे विल नॉट गो टू स्कूल टूडे। और क्या वे आज स्कूल जाएंगे, इसी का अगर हम क्या वाला यानी कि यस या नो आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन बना लें तो विल दे गो टू स्कूल टूडे, विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब को ही आगे कर देंगे, विल दे गो टू स्कूल टूडे। और क्या वे आज स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है, हमने यस या नो आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन का ही निगेटिव फॉर्म बनाया है कि तो क्या बोलेंगे, विल यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, विल दे नॉट, जो दे और नॉट, नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, विल दे नॉट गो टू स्कूल टूडे। और वे आज स्कूल कब जाएंगे, जब भी डब्ल्यू एच फैमिली से क्वेश्चन वर्ड होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसी वर्ड को लिखते हैं, यानी कि हम यहाँ पर कब को पहले लिखेंगे, वेन, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब, वेन विल दे गो टू स्कूल टूडे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम टीवी देखेंगे, ठीक है, हम टीवी देखेंगे, तो पहले हम के साथ यानी वी के साथ सेल लगा करता था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है, अब सिर्फ सबके साथ विल लगाना है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो हम टीवी देखेंगे, वी विल वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखेंगे अगर उसी का निगेटिव बना लें तो यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगी, वी विल नॉट वॉच टीवी। और क्या हम टीवी देखेंगे, क्या हम टीवी देखेंगे यानी कि यस या नो आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ विल यानी कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल को आगे कर देंगे, विल वी वॉच टीवी।
अगर इसी का हम निगेटिव बना ले, डब्ल्यू एच सॉरी के यस या नो आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन वाले का ही निगेटिव, यानी कि क्या वाले का निगेटिव बना लें, क्या हम टीवी नहीं देखेंगे, तो इसमें भी क्या है स्टार्टिंग में, इसलिए हम क्या करेंगे पहले विल को ही लगाएंगे, विल वी, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट वॉच टीवी, विल वी नॉट वॉच टीवी, और हम टीवी कब देखेंगे। अब ये क्या क्वेश्चन है, डब्ल्यू एच फैमिली से क्वेश्चन है, तो हम पहले उसी को लिखेंगे, यानी कि कब को लिखेंगे, तो व्हेन विल वी वॉच टीवी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए रिपीट कर लेते हैं, इसकी जो पहचान है गागेगी, गागेगी यानी कि हम जो भी चीज़ प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में, हम उसी सेंटेंसेज को इसमें लिखते हैं। और इसकी जो मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें कुछ भी और नहीं लगाने की जरूरत है, सिर्फ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वही बस उसमें लगा दिया जाता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है विल है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। सो इसकी ढेर सारी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।